नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत में। पंचायत की बात करें, पंचायत का विकास जानने के लिए मुखिया जी से इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के पैंगड़ी पंचायत में। पैंगड़ी पंचायत के मुखिया होते हैं इंद्रदेव मांझी जी। शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, उनका नाम ललन वर्मा है। इस पंचायत के जो मुखिया इंद्रदेव मांझी जी, उनके ये कार्यवाहक के मुखिया प्रतिनिधि आप इनको कह सकते हैं। सारा काम पंचायत का ये देखते हैं, क्योंकि इंद्रदेव मांझी जी ने सारा कार्य इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। ताई रुक करते हैं, ललन वर्मा जी की ओर जानते हैं पैंगड़ी पंचायत के विषय में। पहले तो ललन वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल, अभी मौजूदा हालत क्या है आपके पंचायत की? जी, अभी तो मौजूदा हालत मेरे पंचायत में बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा। नल जल की कैसी स्थिति? नल जल समझे सर कि मेरे यहाँ पूर्व के मुखिया और अभी जो मेरे वर्तमान जो मेरे मुखिया जी हैं, ये दोनों मिलकर काम किए सर, और नल जल का योजना 95% मेरे यहाँ बहुत अच्छा है सर। पीएचडी का अधिकारी बात सुनते हैं आप? जी हाँ, पीएचडी अधिकारी बात सुनते हैं। मतलब पीएचडी काम कर रही है आपके क्षेत्र में? जी हाँ, मेरे क्षेत्र में काम करते हैं। जी हाँ, करते हैं। बात करते हैं और भी योजनाओं की, क्या क्या कार्य आपके पंचायत? जी हमारे कार्य में, हमारे पंचायत में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे पंद्रहवीं वित्त आयोग से हुआ, सष्टम वित्त आयोग से हुआ, मनरेगा से हुआ। 15वीं वित्त आयोग से हम लोग ने एक, देखिए सबसे पहले सरकार का एक टारगेट था WPU, तो हम लोग सर मेरे पंचायत में पश्चिमी दरियापुर में एक है जो WPU का कार्य 95% ने हम लोग पूरा कर लिया है। अब बहुत बढ़िया तरीके से किया है सर। उसके बाद हम लोग 15वीं वित्त आयोग से समुदाय भवन बनवाया, 15वीं वित्त आयोग से हमने फेवर ब्लॉक का कार्य और नाली का कार्य करवाया, ढक्कन का कार्य करवाया और शौचालय का भी करवाया। सष्टम वित्त आयोग से भी कुछ मैंने बैलेंस कम होने के कारण भी बहुत सारे योजनाएं, जैसे कि कुआं का जीर्णोद्धार और बहुत सारा वगैरह काम कराया सर। और मनरेगा से भी हम लोग PCC ढलाई, नाली, ढक्कन का कार्य करवा रहे हैं सर। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग लाभ मिला आपके पंचायत? मुख्यमंत्री आवास योजना हमारे रीजन में तो अभी नहीं आया है सर, लेकिन पूर्व मुखिया का योजना लिया हुआ था, यानी कि लाभों को चयनित कर चुका हुआ था, तो मान के चलिए कि 210 के लगभग हमने हमारे पंचायत में, माने कि हर एक जो गरीब गुरबा को मिलना चाहिए था सर, सभी लोग को बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? प्रधानमंत्री का ही आवास योजना का मिला है। और इधर फिलहाल सर हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 201 आदमी को लाभ मिला, और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत? मुख्यमंत्री आवास योजना का सर एक बार कुछ टारगेट दिया गया था, और माननीय BDO साहब के द्वारा हम लोग को सूचना दिया गया था कि आप लोग के यहाँ कुछ टारगेट मिलेगा, और मिला भी सर, और चयनित भी BDO साहब खुद आके डोर टू डोर किए, और थोड़ा सा सर वो बाई प्रोसेस में है, लेकिन अभी धरातल पर उतरा नहीं है। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत? उप स्वास्थ्य केंद्र तो सर मैंने अपना भवन तो नहीं है, लेकिन सर क्या कहते हैं उसको, किराए पे चल रहा है सर। कैसी स्थिति है वहाँ? किराए पे चल रहा है सर, कर्मिक लोग आते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन भवन नहीं रहने के कारण सर थोड़ा सा हम लोग को परेशानी होता है, और समय पर उपचार नहीं हो पाता है सर। अच्छा, विद्यालय की स्थिति कैसी? विद्यालय बहुत अच्छा है सर, मेरे गाँव में, खासकर मेरे गाँव में स्थिति बहुत अच्छा है सर। जी सर। अभी मुख्य रूप से क्या कमियां हैं आपके पंचायत? मेरे पंचायत में सर सबसे पहले मुख्य कमियां हैं कि हम लोग जिस, यानी कि टारगेट मिला था पंचायत सरकार भवन के लिए सर, तो मेरे पंचायत में अगर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाता और हम लोग हमारे मुखिया जी के नेतृत्व में, माने कि बाई प्रोसेस हम लोग किए भी, पूरा ढंग से किए, लेकिन सर अभी धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है, और कोई सूचना भी या सूचनार्थ भी नहीं है हम लोग के पास कि क्या होने वाला है। जैसा कि मेरा, हम लोग को कुछ सूचना मिला था कि पूरे नवादा जिला में 14 गो आवंटन हुआ है, उसमें एक पैंगरी भी है, लेकिन सर माने कि अभी तक हमको कन्फ्यूजन है कि मेरे यहाँ लगता है कि बनने की संभावना नहीं है सर, लेकिन हम लोग, हमारे पंचायत को लोग बहुत इच्छुक हैं सर। आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में सर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सर हम लोग, हमारे पंचायत के जितने भी जनता लोग हैं, आपके भी आभारी रहेंगे और सरकार का भी आभारी रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललन वर्मा जी। सारी बातें उन्होंने पंचायत के विषय में बताई है, क्या कुछ ने विकास का कार्य किया और क्या कमियां हैं इनके पंचायत में, ये भी इन्होंने बताया है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने, एक और पंचायत का विकास स्तर जाने के लिए मुखिया से। देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपका निशांत कुमार नवादा।